दो चीज हमने देख ली कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम रेक्टेंगल का और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एक और चीज होती है, एक और टर्म होता है इसमें, डाइगोनल। डाइगोनल क्या होता है? डाइगोनल यानी कि जो, अगर आसान भाषा में बोले, एक कोने को दूसरे कोने से मिला है, यानी कि एंड अगर हम यहां से बनाए तो यहां तक। तो बेसिकली छोटे क्लासों में एरिया और पेरीमीटर से ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये आगे के लिए है। जब आप सिक्स सेवन सेवन एट क्लास में जाओगे और सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उसमें ये आएंगे आपको। तो डाइगोनल मीन्स क्या हो जाएगा? डाइगोनल को हम डी से सूचित डिनोट करते हैं, और डाइगोनल मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि बी और डी डाइगोनल हो गया हमारा, एंड ए और सी क्या हो गया? डाइगोनल। तो एक रेक्टेंगल में कितने? दो डाइगोनल होते हैं। ओके, डाइगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डाइगोनल का, डाइगोनल कैसे निकालेंगे हम? अगर हम सातवीं क्लास में देखेंगे, जब जब हम ट्रेंगल चैप्टर पढ़ेंगे, तो ट्रेंगल में हमें बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे पढ़ने को, जिसमें कि एक फेमस थ्योरम है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हम इसको अच्छे से करेंगे जब ट्रेंगल हम स्टार्ट करेंगे तो, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस ट्रेंगल जो है वो बोलता है कि अगर एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें कि हाइपोटेनियस है, यानी हम इसको हिंदी में लिखते हैं कर्ण, बेस है, बेस यानी कि आधार, एंड लंब है यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम ट्रेंगल चैप्टर में इसको करेंगे अच्छे से, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब आप देखिए इस फिगर में, कि अगर मैं इस फिगर में आपसे पूछूं कि ए बी और डी क्या होगा, ए बी और डी, अगर ए बी और डी की बात करें हम, यानी कि ए बी एंड डी इसकी, तो ये एक ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है ए बी डी, यानी कि क्या बन रहा है? एक ट्रेंगल बन रहा है। तो ट्रेंगल में हमारे पास, अगर हम यहां से देखें, ए को हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं यहां से, तो हमारे पास लंब है, बेस है, तो हमारा बी और डी क्या हो गया? बी और डी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि कर्ण हो गया। कर्ण का फॉर्मूला हमें पता है कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम डाइगोनल के लिए फॉर्मूला लिखें, एंड डाइगोनल मीन्स बी डी, हम बी डी निकाल रहे हैं, बी डी इसको हम कर्ण बोल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा कि पी का स्क्वायर यानी डाइगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी डाइगोनल यानी बी डी यानी कि कर्ण, हाइपोटेनियस, एंड यहां से हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? बस डाइगोनल, यानी कि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो डी को हम स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, तो जब ये इस साइड आएगा तो इनके ऊपर ये रूट बन के विराजमान हो जाएगा, इनको ये अपने घर में रख लेगा, तो ये इनको रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये यहां पे।
डायगोनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम